हाय व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका। मैं हूं सिद्धिकल और आप देख रहे हैं टेक्नोफिटर्स। एक व्यूअर्स ने पूछा कि अगर पप पैनल से वो मास्टर बेडरूम बनाना चाहते हैं तो क्या इसका पॉजिटिव साइड है और क्या नेगेटिव साइड है। तो आइए जान लेते हैं कि पप पैनल का बेडरूम से क्या क्या पॉजिटिव साइड है और क्या क्या नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव साइड ये है कि आप पप पैनल का जैसे ऑर्डर देते हैं उसके बाद बहुत जल्दी ये बेडरूम बन जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइड है। दूसरा है जो बेडरूम के अंदर जो एसी लगेगा इसका परफॉर्मेंस अच्छा देगा अकॉर्डिंग सिविल वॉल। सिविल वॉल में जो सिविल का बिल्डिंग में जो आपका बेडरूम होगा उसमें जितना एसी का परफॉर्मेंस रहेगा उससे ज़्यादा आपका पप पैनल के रूम पे परफॉर्मेंस देगा। तीसरा है आपका पावर कंजम्पशन। एसी का जो पावर कंजम्पशन है वो सिविल रूम पे क्या होता है कुछ ज़्यादा ही लगता है, पर अगर पप पैनल के रूम पे आप एसी लगाते तो इसमें पावर कंजम्पशन बहुत कम रहता है। मतलब आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका बिल कम होगा और आपका पैसा में थोड़ा बचत होगा। और अगर इसका नेगेटिव साइड का बात करें, मास्टर बेडरूम मतलब इसके साथ एक टॉयलेट अटैच रहेगा ही रहेगा, तो पप पैनल से अगर आप टॉयलेट बनाते हैं आप कुछ भी कर लीजिए ये तो है लोहे का, चाहे पीपीजीआई शीट लगा लीजिए या पीपीजीएल शीट लगा लीजिए एसएस छोड़ के, तो ये मेटल ही है। जो टॉयलेट का जो फ्लोर लेवल उसके 4 इंच ऊंचा करके ये पूरा जंग लग जाता है, क्योंकि हमेशा पानी का यूज होता है और ये जंग लग के खराब हो जाता है। तो आपका जो पप पैनल जो एक लॉन्गजीविटी होता है जो 20 साल या 15 साल जो आपको चलना चाहिए था वो 2 साल में खराब हो जाता है। अगर आप ज़्यादा अच्छा भी कंपनी का लगा लेते या अच्छा क्वालिटी का लगा लेते तो भी आपको मैक्सिमम 2 साल 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के अंदर ये खराब हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड है। दूसरा है आप मास्टर बेडरूम मतलब यहाँ पे एक प्राइवेसी का इशू आ जाता है। क्या होता है, पप पैनल जो है ये एक साउंड प्रूफ प्रोडक्ट नहीं है, मतलब बाहर का साउंड अंदर आएगा और अंदर का साउंड बाहर जाएगा, या रात को जब ट्रक वगैरह जाएगा जो बड़ा बड़ा गाड़ी आप जाएगा तो उसका जो साउंड है वो भी आपका बेडरूम पे आएगा, क्योंकि वो साउंड प्रूफ नहीं है। तो ये भी एक प्राइवेसी खराब होता है यहाँ पे ये साउंड प्रूफ ना होने के कारण। और तीसरा, अगर आपके घर में 2 बच्चे या 1 बच्चे हैं तो पप पैनल का जो वॉल रहेगा उसमें वो बच्चा क्या करेगा, स्क्रैच कर देगा जिसमें जंग लग जाएगा, या किसी चीज से पप पैनल के ऊपर जब मारेगा तो वहां पे डेंट पड़ जाएगा, जो डेंट बाद में और ठीक नहीं होगा। जो स्क्रैच पड़ते हैं तो आप बाद में थोड़ा सा स्टिकर लगा सकते हैं, पेंट करेंगे तो वो पेंट रुकेगा नहीं, आप स्टिकर लगा के उसको ढक सकते या छोड़ सकते ऐसे ही कि चलो स्क्रैच हो गया हो गया, लेकिन वो जंग पड़ जाएगा। और अगर डेंट पड़ गया वो डेंट कभी ठीक नहीं होगा, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा अगर पप पैनल पे डेंट पड़ जाता है वो डेंट ठीक नहीं होता। तो व्यूअर्स, कुल मिलाकर मैं आपको कभी भी मास्टर बेडरूम के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा पप पैनल को। आप नॉर्मल एक रूम चाहिए या घर के अंदर थोड़ा सा पार्टीशन चाहिए नॉर्मल के लिए वो ठीक है, पर जहां पे साउंड इशू है प्राइवेसी इशू है वहां पे मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। पप पैनल का और ढेर सारा वीडियो देखने के लिए और पप पैनल के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टेक्नोफिटर्स। धन्यवाद।